हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिज़ाइन कट्टा। आज के वीडियो में हम देखने वाले जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन पार्ट 4। तो चलिए चलते हैं कटियान। सबसे पहले मैं जाऊंगा जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा ट्यूटोरियल नंबर 4। कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देता है। इसके बाद में मैं शीट मेटल पैरामीटर्स सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। इसके पहले हम वॉल्स टूल बार देख चुके हैं, और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले रोल्ड वॉल्स, और उसमें हम देखेंगे हॉपर। मैं हॉपर को क्लिक करता हूँ। इसमें दो टाइप के हॉपर होते हैं, जैसे कि कोनिक हॉपर और सरफेसिक हॉपर। हम आज सरफेसिक हॉपर देखने वाले हैं। सरफेसिक हॉपर क्या है ये हमें पहले जानना होगा। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था रिकॉग्नाइज, जिसमें कि हमने पार्ट डिज़ाइन में पार्ट बनाकर जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन में उसे इम्पोर्ट किया था, और जनरेटिव शीट मटेरियल डिज़ाइन के कमांड उस पर अप्लाई किए। सेम उसकी तरह ही हमें सरफेस में कोई सरफेस बनाना है और उसे शीट मेटल में इंपोर्ट करना है, और फिर उस पर सारे कमांड अप्लाई करना है। इसका मतलब हमें पहले सरफेस में जाकर कुछ बनाना होगा। तो हम हॉपर बनाएंगे। हम कुछ ऐसा हॉपर बनाने वाले हैं। हमें हॉपर बनाने वाले ऐसा ये शीट मेटल का हॉपर हम बनाने वाले हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ और फिर से जाता हूँ कटिया में। अब हम चलते हैं सरफेस में जनरेटिव शेप डिज़ाइन। इसमें मैं हॉपर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें हॉपर बनाऊँगा। जो कुछ भी चीज़ या पार्ट सरफेस शीट मटेरियल जब इंपोर्ट करते हैं, हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हम जो कुछ भी बनाएंगे उसमें एजेस ना रहे, जैसे कि ये वाला एज, उसे हमें कर्व में कन्वर्ट करना है। या कोई भी सरफेस हो, हम अगर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे ले जा रहे हैं शीट मटेरियल में, तो सबसे पहले उसको कोई भी एज नहीं चाहिए।
अब मैंने ये प्रोफाइल बनाई है, 1, 2, 3 और 4। अब मैं इसे मल्टी सेक्शन में कन्वर्ट करूँगा, मल्टी सेक्शन सरफेस में। और ये जो है मैंने इसके लिए गाइड दिया है, तो मुझे जिस तरह मैंने इस तरफ से गाइड दिया है उसी तरह मुझे दूसरी तरफ से भी गाइड देना है। सिंपली इसे कन्वर्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट करता हूँ इसे, उसके बाद में मिरर करता हूँ इस एक्सिस पर, तो बाद में इसे डिलीट कर देता हूँ। दोनों तरफ से मेरे गाइड बन चुके हैं। अब मैं मल्टी सेक्शन में इसे सरफेस बनाता हूँ। मुझे नंबर वाइज जो है प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, मैं नंबर वाइज प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मुझे गाइड सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ये बन चुका है, ये हमारा सरफेस जो है कम्प्लीटली बन चुका है। ये हमारा हॉपर कम्प्लीटली बन चुका है। अब हम इसे शीट मेटल में लेकर जाएंगे। और अब मैं जाता हूँ हॉपर में। अब वो मुझे पूछता है कि सिलेक्शन, मतलब जो भी मैंने सरफेस बनाया है उसका सिलेक्शन मुझे करना है। हम अभी सरफेस ही हॉपर में, मुझे इसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद में वो पूछता है मुझे रेफरेंस वायर, मतलब कि गाइड, जो गाइड हमने बनवाया था उसमें से कोई भी गाइड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस गाइड को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में वो मुझे पूछता है इनवेरिएंट पॉइंट, तो मुझे इनवेरिएंट पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ से वो ओपन होगा। ये इनवेरिएंट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में अनफोल्ड ओपनिंग कर्व, यानी कि मैं जब सरफेस को फोल्ड अनफोल्ड करूँगा वो मुझे ओपनिंग कर्व्स, जो ओपनिंग पॉइंट है वो उसे बताना होगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बाद में उसे सब होने के बाद ओके करता हूँ। ये हॉपर बन चुका है। अब मैं इसे फोल्ड अनफोल्ड करके देखता हूँ। सरफेस को डिलीट करता हूँ, हाइड करता हूँ सॉरी। हमें कोई भी डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हाइड करना है। अगर मैं कुछ भी डिलीट करता हूँ तो मेरे सारे कमांड जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मैं इसमें से कुछ भी अगर डिलीट करता हूँ तो मेरे सारे कमांड जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इसे हाइड करता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या क्या हाइड किया है यहाँ पर मैं जा कर के देख सकता हूँ। मैंने इतना सारा हाइड किया है, और जो मेरा मेन सरफेस, जो मेरा मेन शीट है वो मैंने हाइड नहीं किया, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर बचा है। अनफोल्ड करने के बाद ये शीट जो है कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब मैं फिर से इसे अनफोल्ड फोल्ड करता हूँ। फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसे 2 करता हूँ और इसे मैं 3 करता हूँ। ओके, अब ये जच रहा हूँ। मैं इसे फिर से फोल्ड अनफोल्ड करता हूँ। ये हमारा अनफोल्डेड व्यू और ये हमारा फोल्डेड व्यू। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हम आगे का कोनिक हॉपर लेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस पॉइंट पर चाहते हैं वो कमेंट कीजिए। थैंक यू।